हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी विलंब से कुप करने में तेरी करुणा में सामर्थी परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी लोग तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊँचा करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, स्तुतियों में विराजमान हमारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें जो हर पल हमें संभालता है, हमें बचाता है। हालेलुया, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला लॉर्ड जीसस, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को महिमा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से वह प्रसन्न होता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रशंसा के योग्य प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, अति करुणामय परमेश्वर, पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, जो हमारा उद्धार करता है प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, छुटकारा देता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वह सब कुछ बदल देता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है? प्रभु आप कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया, प्रभु खुद कहता है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आज एक मनुष्य को कठिन जान पड़ रहा होगा। हालेलुया, अपने जो सिचुएशन में जो फंसे हैं, वो केस हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, वो घर की प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक मामला हो सकता है, अपने बाल बच्चों के बारे में हो सकता है, अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में हो सकता है, कुछ भी सोच रहे होंगे कि क्या कुछ ठीक हो सकता है जीवन में। हालेलुया, क्या कई बार क्या होता है परिवार में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो होता है उसका, जिसका स्वभाव, उसके स्वभाव की वजह से बहुत दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया, जो कि बहुत परेशानी, प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। लेकिन सचमुच में हमारा परमेश्वर ऐसा है जो मन को बदल देता है, जो स्वभाव को बदल देता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, जो सब कुछ बदल देता है, जो प्रभु की ओर खींचे चले आते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है, आपके बारे में प्रभु को सब कुछ पता है। हालेलुया, आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यदि पाप कर अंधेरे में, उजाला में छुप के इधर उधर, तो भी आप प्रभु से कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि प्रभु की आंखें देखती रहती है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ। प्रभु को सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हालेलुया, प्रभु को कितनी बार आपने इग्नोर किया, धोखा दिया, प्रभु को सब पता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ पता है, प्रभु से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। कुछ भी, कुछ भी, हालेलुया, कुछ भी नहीं छिपा सकते। आपके मन में जो बातें चल रही, प्रभु मन और मर्म, मतलब आपके मन की बातें भी प्रभु सब कुछ जानता है। क्या करने वाले, क्या प्लानिंग कर रहे हो, आपके मन में किसके प्रति क्या नफरत है, यदि कोई पाप चल रहा, कोई पाप आपके अंदर किसी के प्रति, किसी की ओर नजर लगा रहे हो, सब कुछ पता है परमेश्वर को आपके बारे में। हालेलुया, यही रीजन है आज हम छुप के काम कर रहे हैं और सोचते हैं कि प्रभु नहीं देख रहा, तो आज आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो और अपने आप को खुद धोखा दे रहे हो।
हालेलुया, आप चर्च भी जाते हो, प्रार्थना भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अब धोखा दे रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है, तो आप भूल में पड़े हो, प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। और ये जो पाप है उसका जो रिजल्ट है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा भयानक है, डेंजरस है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को समझते हैं, जानते हैं, चर्च जाते हैं, सुनते हैं, इसके बावजूद भी आज पाप में लिप्त हैं, पूर्ण रीति से लिप्त हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी दूसरी पत्नी करके रखा हुआ है, वे विचार कर रहे हैं, दूसरी की तरफ मन लगा हुआ है, झूठ में गलत, कई ठीक है, कई लोग नहीं लगे, लेकिन आज वो मोबाइल के थ्रू पाप कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं और सोचते हैं हमें कोई नहीं देखने वाला, और पासवर्ड लगा के रखते हैं और सोचते हैं अपने मोबाइल में पासवर्ड जो लगाते हैं, सोचते हैं मुझे तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन आज जब भूल में पड़े हो कि परमेश्वर आपको देख रहा है, तो आपकी हर एक बातें, आपके काम, आपका जो भी करते हो वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कैसे प्रभु के सामने खड़े रह पाओगे, कैसे अपना चेहरा दिखाओगे। हालेलुया। जब वही बात जब सामने में प्रकट हो जाती है तब कैसा लगता है आपको, कितना कैसा फील होता है आपको। हालेलुया। मुंह नहीं दिखा पाते तो प्रभु के सामने, आज हम छिपा तो रहे हैं लेकिन भूलने बैठे हैं कि प्रभु देख रहा है आपको। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। फरीसी और चुंगी लेने वाले जाते हैं मंदिर में, और चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना करता है, फरीसी कैसे प्रार्थना करते हैं, फरीसी की प्रार्थना देखो तो वो ऐसी प्रार्थना करता है कि मैं सप्ताह में इतने बार मैं फास्ट करता हूँ, उपवास कर रखता हूँ, मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अब बता, अब तो मुझे देगा कि नहीं, मतलब वो क्या बता, वो प्रेयर कर रहे हैं, अनुग्रह मांग रहे हैं कि अपने बारे में बता रहे कि देख मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। ये घमंड की बातें हैं, हम जितना प्रार्थना करें उतना ही कम है। वो अपने बारे में बता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन चुंगी लेने वाला है, हालेलुया, उसकी प्रार्थना कैसे होती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लुका रची सुसमाचार में पढ़ सकते हैं 18 अध्याय में, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन को कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था तो दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला और अन्याय व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो चुंगी लेने वाले को क्या करा, तुच्छ ठहरा रहा है, जो प्रभु के स्वरूप में परमेश्वर के इमेज में बनाया गया है। हालेलुया। उसका वो देखो क्या कर रहा है, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान थोड़ी ना हूँ, वो अपने आपको बढ़ चढ़ कर बता रहे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कहता है कि मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ, मैं अपने सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले की जब प्रार्थना सुनते वो कैसे प्रार्थना करता है जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जो फरीसी था वो अपने आप को क्या दिखा रहा है, मैं सबसे बढ़ चढ़ कर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हालेलुया। वो अपनी धार्मिकता, वो अपने बारे में बता रहे मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन चुंगी लेने वाला स्वर्ग की और अपनी आंखें नहीं उठा पा रहा है। वो कहता है प्रभु मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं तुझे देख सकूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर पिता अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को हलीम कर रहा है, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर रहा है, लेकिन फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब वो दिखा रहा है मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, बहुत सारे फरीसी बनकर घूम रहे हैं। मैं ये भी करता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता तो हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। हालेलुया। आज इस तरीके से इनकी प्रार्थना हो गई, प्रभु मैं ऐसे करता हूँ, यदि तू नहीं देगा तो मैं तेरे भवन में नहीं आऊँ। मैं तो प्रभु को धमकी देना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। फरीसी के जीवन में जहाँ बारे में जब हम देखते हैं तो संसार के तौर पर उस देखने से वो कैसा लगता है, भला आदमी, अच्छा आदमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तो दशमांश भी देता है, वो तो फास्टिंग भी करता है, वो तो प्रभु के भवन को भी जाता है, वो तो सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने आप को नम्र नहीं किया। हालेलुया। मतलब ऐसे देखने में तो साफ सुथरा जीवन लग रहा है, लेकिन वो प्रभु के सामने अपने आप को नम्र ही नहीं किया, अपने आप को अपने सर को झुकाया ही नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन फरीसी जो था अपने आप को नम्र किया, क्योंकि वचन कहता, नीति वचन पढ़ते हैं, नाश होने से पहले
घमंड आता है। नाश होने से पहले घमंड, तू महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। आमीन। तो नाश होने से पहले क्या आया? घमंड फरीसी के जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरे हाथ पे देते परमेश्वर पिता। हालेलुया, जब को अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, अपने आप को हलीम करने की जरूरत है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो नम्रता, महिमा आने से पहले नम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड आता, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। आज अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हलीम करें, उस फरीसी के समान नहीं जो ऊपर से तो ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर से अपने आप को क्या कर रहा है। हालेलुया, अपने आप को क्या कहता है? मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने मतलब साफ सुथरा प्रदर्शित कर रहा है। हालेलुया, वो अपने आप को नम्र ही नहीं कर रहा प्रभु के आगे, लेकिन चुंगी लेने वाला अपने आप को नम्र कर रहा है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के आगे, अपने सिर को झुकाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। लॉर्ड जीसस, तेरे पीछे चलने के लिए मेरी अगुवाई कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे नम्र बना दे, घमंड का जीवन मेरे जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, शाऊल ने अपने आप को नम्र नहीं किया, उसने क्षमा नहीं मांगी, इसलिए उसे राजा के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज अपने आप को नम्र करें, अभिमान मत हो, घमंड मत हो, घमंड ना करें किसी भी चीज़ों के लिए, अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के आगे और देखो हालेलुया प्रभु के लिए कैसे काम करता है। हालेलुया, रबा खाते रड़ा बशंत रड़े बगे दे रड़ा बगे दिरा रबा खाते रड़ा बशंत। बोलो परमेश्वर से, प्रभु मुझे नम्र बना। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी मुझे नम्र बना, मर्सी अपॉन मी लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी शील, प्रभु जी बोलो परमेश्वर से, घमंड की बातें मेरे से दूर कर। कई लोग पैसे का घमंड करते हैं, कई लोग औहदा का घमंड करते, कई लोग अपने जाति का घमंड करते, कई ये करते, कई वो करते, कई ये करते। हालेलुया, धनवान और लार्जर के जीवन के बारे में देखते तो धनवान सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था, वो विश्वास नहीं किया परमेश्वर पर, अपने आप को क्या किया। हालेलुया, लाजर की उसने क्या नहीं किया, कुछ भी मदद नहीं किया। हालेलुया, उसको सब कुछ था, मलमल के वस्त्र पहनता था, एवरीथिंग था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन ऊंचा कौन किया गया? वो लाजर ऊंचा किया गया। क्यों? क्योंकि अपने आप को नम्र किया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। नरक में कौन गया? धनवान गया। हालेलुया, उसने मन नहीं फिरा, उसने गरीबों की मदद नहीं किया, सहायता नहीं किया, अपने आप को नम्र नहीं किया। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपने आप को नम्र बनाएं, प्रभु के आगे रखें। आप ऊंचे किए जाओगे यदि अपने आप को नम्र कर रहे हो। घमंड की बातें आपके जीवन से जाए, इधर उधर की बातें आपके जीवन से जाए, सटनिक की बातें, इधर उधर की बातें आपके जीवन से जाए, यीशु के समर्थ्य नाम। ऐसी बातें जो आपको पाप में फंसाती है, गिराती है, ऐसी आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करती है, समर्थ्य नाम में रब खत्ती रड़ब शंति रड़े बगे दिरे बगे दिरा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थ्य नाम में, हर एक बंधन छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक स्पिरिट छ यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक दुष्टात्मा छ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा खाती रड़ा बशंती रड़े बगे दिरे बगे दिरा। मैं प्रार्थना करती रे स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। घमंड की आत्मा मैं ठाड़ती तुझे यीशु के सामर्थ्य, जो अपने आप को नम्र नहीं करते, जो लोग हाले घमंड की आत्मा, ये भी दुष्ट शैतान काम करता है, घमंड, अपने आप को ऊंचा करना। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरते दुष्ट शैतान, इनके जीवन को छोड़ के जा, इनके परिवार को छोड़ के जा। दुष्ट के अहंकार की शैतान शक्ति, हालेलुया, घमंड की शैतान शक्ति, जो सोचते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, हालेलुया, बैठर यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, बे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबका तिरल बशंत रल बका तिरल बका दिरा। हालेलुया, रबका तिरल बशंत रल बगे दिरल बका। रबका ते नेगेटिविटी के स्पिरिट आपके जीवन के परिवार से जाए। मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए, एक शाप खत्म हो जाए आपके जीवन के परिवार से। रबका तिरल बशंत रल बका तिरल। इसी वक्त राइट नाउ अपने आप को समर्पण करें। जो बीमार है बोले परमेश्वर, मैं आपकी हूँ परमेश्वर पिता, आई एम बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। प्रभु जी मुझे बदल दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरे बंधन को तोड़ दे, बीमारी को दूर कर। रबका तिरल बशंत रल बका तिरल बका।
दे रहा, मैं ठंड तीस के सामर्थ्य ना एक बीमारी आपके जीवन से जाए, आपके परिवार से जाए, आपके घराने से जाए। मैं प्रार्थना करती कई लोगों के घर में जगह बना के रखे और शैतान बहुत अटैक कर रही है, यीशु के सामर्थ्य ना मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा जाए उस जगह को हटाए, यीशु के सामर्थ्य ना में, यीशु के सामर्थ्य ना में, यीशु के सामर्थ्य ना में, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट फ्री यीशु के सामर्थ्य ना में। रबा का तिरड़ा वश्यंत हर एक बीमारी आपके जीवन से जाए, बोले ये बीमारी तो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, बोलो मैं यीशु का, मैं परमेश्वर का हूँ, हर एक बंधन टूट जाए, दुष्टात्मा स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, हेडेक डिप्रेशन निराशा गेट आउट, फीवर वायरल फीवर स्किन की डिजीज गेट आउट यीशु के सामर्थ्य ना में, शोल्डर का दर्द हड्डी की रोग और समस्या गेट आउट यीशु के सामर्थ्य ना में, एयरफॉल की प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पेट से हर एक प्रकार के रोग समस्या जाए, पथरी को मैं कमांड करती हूँ गेट आउट यीशु के सामर्थ्य ना में जाए, रसौली को मैं ठर यीशु के सामर्थ्य ना में जाए, पीठ का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ गले का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य ना में। हालेलुया रबा खाता नमस्ते रेबे धीरे डबगे धीरे है, हालेलुया आपकी आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते वो चलने लगे, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अद्भुत काम करने वाला प्रभु जी शूले हर एक लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी मदद कर सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करती यीशु अप्पा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, काम काज को ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के सब ब्लेस करती हूँ, आपके कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ, यीशु के लोग की जय, थैंक यू जीसस। प्रभु जी ये जहाँ भी जाते सरदूत के बारे में रखती यीशु मसीह आपके लहू में कवर करती हूँ, मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, आज की भी मीटिंग को बोझ उठा के चलाना प्रभु जी तेरे हाथ में देते हैं, सारी प्रार्थना को सुन लिया धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। मसीह में प्रभु भाई बहनों प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष से वचन में बढ़ते जाएं, ग्रोथ करते जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आत्मिक जीवन मजबूत हो जाए, प्रभु आप सभी लोगों को अनुग्रह दें, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें, आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो, अपनी भेंट अपनी थैंक्स गिविंग अपनी ऑफरिंग कॉल एंड पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं, लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और बढ़ाता जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को पूछने किंतु सिर ठहराए, हालेलुया प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए भी लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदानंदित अपने भेंट अपने थैंक्स गिविंग अपनी ऑफरिंग को आप दे सकते हैं, हालेलुया ऑनलाइन के थ्रू दे सकते हैं, जो चर्च भवन में आकर देना चाहते हैं वहाँ भी आके दे सकते हैं, प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सदानंदित रहें, लगातार कोई प्रेयर कर रहे हैं सचमुच आप जरूर छुटकारा को देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, प्रभु में सदानंदित रहें, आप सभी लोगों को जय मसीह की।